प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फतेहाबाद से है। आपको बता दें कि फतेहाबाद में 2 दिन के लिए अनाज मंडी बंद रहेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में व्यापार मंडल ने ये बड़ा फैसला किया है। 25 और 26 जनवरी को अनाज मंडी को बंद रखने का ये फैसला व्यापार मंडल के द्वारा किया गया है। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि अगले 2 दिनों तक फसल की कोई खरीद नहीं होगी और इसके साथ ही व्यापार मंडल ने किसानों से अपील की है कि अगले 2 दिनों तक मंडी में किसान अपनी फसल को लेकर न आए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो फतेहाबाद से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि फतेहाबाद में 25 और 26 जनवरी को 2 दिन के लिए अनाज मंडी बंद रहेगी। किसानों के समर्थन में व्यापार मंडल ने ये बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि 25 और 26 जनवरी को अनाज मंडी में फसल की बिक्री और खरीद फरोख नहीं होगी। इसके साथ ही व्यापार मंडल ने किसानों से ये अपील की है कि अगले 2 दिनों तक मंडी में वे अपनी फसल को लेकर न आए। ये दिल्ली में जो किसानों का ट्रैक्टर प्रदर्शन है उसमें हमारी मंडी 25 और 26 को पूर्ण रूप से बंद रहेगी। हमारा व्यापार मंडल किसानों के साथ है और पूरी मंडी को कॉल की गई है कि 26 तारीख को किसान परेड में भाग ले। जो भाई नहीं जा सकता है वो फतेहाबाद लघु सचिवालय के आगे प्रदर्शन में भाग ले। हम किसान आंदोलन में बिल्कुल साथ हैं और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तो क्या फतेहाबाद अनाज मंडी से दिल्ली के लिए गए हैं कोई? हाँ, काफी लोग निकले हैं, आज भी निकलेंगे और जो नहीं जा सकते वो यहाँ लघु सचिवालय में कल परेड में भाग लेंगे। तो 2 दिन के लिए मंडी बंद है या आगे भी रहेगी? आगे अभी तो 2 दिन के 25 और 26 का बंद है, आगे जैसे भी जो व्यापारी संघ का हमारा फैसला होगा उसी के अनुरूप हम आगे चलेंगे। क्या नाम है सर आपका? जगदीश बाद, प्रधान व्यापार। इतना साफ यकीन नहीं होता। वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल, सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल। हर माँ की पसंद विस्मा।